हम कहते हैं ना, लाइफ इज ऑल अबाउट मेकिंग चॉइसेस। वैसे ही फाइनेंस में भी हमारे पास बहुत सारी चॉइसेस आती हैं, जैसे कि कार को कैश पे ले या फिर लोन पे, अपने इन्वेस्टमेंट्स को रिडीम करके अपना पर्सनल लोन पे ऑफ कर दे, एमरजेंसी को अपने सेविंग्स से क्रिएट करें या फिर एमरजेंसी के टाइम पर लाइन ऑफ क्रेडिट यूज कर ले। ये सब डिपेंड करता है कि आज पैसे की क्या वैल्यू है एंड आने वाले कल में क्या होगी, और इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अब क्योंकि टाइम वैल्यू ऑफ मनी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, इसलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या है, इसके दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझेंगे एंड इसे कैलकुलेट करना भी सीखेंगे। हेलो एवरीवन, आई एम आस्था खुराना एंड वेलकम टू ज़ीरोधा वासिटी वीडियोस। टाइम वैल्यू ऑफ मनी फाइनेंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब ये है दैट विद द पैसेज ऑफ टाइम पैसे की जो वैल्यू है वो बदल जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आज जो आपके पास 100 रुपए हैं, आने वाले 2 सालों में उनकी वैल्यू 100 रुपए नहीं रहेगी, और आज से 2 साल पहले उसकी वैल्यू आज के 100 रुपए के हिसाब से ज्यादा थी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये लोन टेकिंग डिसीजंस में हेल्प करता है, करेंसी डेप्रिसिएशन क्यों होती है उसके बारे में बताता है, कौन से एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना बेटर होगा ये समझाता है, एसेट्स एक्विजिशन एंड फंड्स प्रोक्योरमेंट जैसे फाइनेंशियल डिसीजंस में भी हेल्प करता है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी बेसिकली हमें ये बताता है कि आज मनी की जो वैल्यू है वो आने वाले कल में क्या होगी, या फिर फ्यूचर में जो पैसा मिलने वाला है उसकी आज वैल्यू क्या है। अगर मैं आपको एक ऑप्शन दूं कि मैं आपको 5,000 रुपए आज दूंगी या वही 5,000 रुपए मैं आपको 1 साल बाद दूंगी, तो आप कौन सा ऑप्शन चूज करोगे? जाहिर सी बात है कि आप आज ही 5,000 लेना पसंद करोगे, क्योंकि आप जानते हो कि आने वाले समय में ये 5,000 की वैल्यू कम हो जाएगी। लेकिन अगर मैं आपको एक और ऑप्शन दूं कि आज मैं आपको 5,000 दूंगी या फिर 1 साल बाद मैं आपको 5,500 रुपीज दूंगी, तो अब आप कौन सा ऑप्शन चूज करोगे? ऐसे में जो आज आपको 5,000 मिलने वाला है उसकी 1 साल बाद क्या कीमत होगी, या तो हमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, या फिर जो आपको 1 साल बाद 5,500 मिलेगा उसकी आज के हिसाब से क्या वैल्यू है हमें वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसी की वजह से हमें समझने पड़ेंगे टाइम वैल्यू ऑफ मनी के दो कॉन्सेप्ट, प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू। सबसे पहले हम समझते हैं कि फ्यूचर वैल्यू क्या होता है। फ्यूचर वैल्यू से हमारा मतलब ये है कि आज जो हमारे पास पैसा है आने वाले कल में उसकी वैल्यू क्या होगी। अगर हम अपने एग्जाम्पल को ही कंटिन्यू करें तो आज जो मैंने आपको 5,000 रुपए ऑफर किए उसकी फ्यूचर में क्या वैल्यू होगी, चलिए कैलकुलेट करते हैं। इसमें हम मान कर चलते हैं कि हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 8% का होगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब बैंक FD का रेट 8% है। अब ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और कुछ नहीं, फ्यूचर वैल्यू में जो हमें एक्स्ट्रा इनकम मिलती है उसे ही हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं, एंड फ्यूचर वैल्यू के केस में इस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कंपाउंडिंग कहा जाता है। तो अब हम हमारी 5,000 की वैल्यू का फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला होता है इनिशियल इन्वेस्टमेंट इंटू 1+R^(t). यहाँ पर हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट हो गई 5,000 की, हमारा रेट जैसे हमने डिसाइड किया था 8% का, एंड टाइम पीरियड है 1 साल का। तो इन सब की कैलकुलेशन के बाद जो हमारे पास नंबर निकल कर आता है वो है 5,400 का। इसका मतलब सेकंड ऑप्शन ज्यादा बेटर होता, क्योंकि 1 साल बाद 5,000 की वैल्यू 5,400 होगी, लेकिन आपको 1 साल बाद 5,500 मिल रहे हैं, तो सेकेंड ऑप्शन चूज करना बेटर होता। चलिए अब हम बात करते हैं प्रेजेंट वैल्यू की। प्रेजेंट वैल्यू से हमारा मतलब ये होता है कि फ्यूचर में जो हमें पैसा मिलने वाला है उसकी आज क्या वैल्यू है। अगर हम उसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करें तो 1 साल बाद आपको 5,500 मिलने वाले थे, अब ये 5,500 आज की तारीख में क्या वैल्यू रखते हैं उसके लिए हमें प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना होगा। इस केस में जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है हम उसे डिस्काउंट कर रहे हैं, क्योंकि अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का इफेक्ट इसमें से माइनस कर रहे हैं, दैट इज वाई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को प्रेजेंट वैल्यू में डिस्काउंटिंग कहा जाता है। प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम फ्यूचर वैल्यू को डिवाइड करते हैं 1+R से (r)^t। अब फ्यूचर वैल्यू तो हम जानते हैं 5,500 की है, रेट हमारा 8% का है एंड टाइम पीरियड 1 साल का है, तो इस केस में हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू निकल कर आती है 5,092 रुपीज। इसका मतलब आज के हिसाब से अगले साल मिलने वाले 5,500 की वैल्यू आज 5,092 है, तो इसका मतलब
अगर हमने 5500 वाला ऑप्शन चूज किया होता तो यही हमारे लिए बेटर होता, और यही अगर डिस्काउंट रेट 11% का होता तो उस केस में हमारा ऑप्शन नंबर 1 दैट इज टेकिंग 5000 रुपीज वो ज्यादा बेनिफिशियल होता। अब इसको और बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अब आपके पास दो ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन ये है कि आज आप 10,000 रुपीज ले लें, या फिर दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप 3 साल बाद 13,310 रुपीज ले लें। इस केस में जो हमारे पास रेट होगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का, दैट इज 10%। तो अब आपको कैलकुलेट करनी होगी 10,000 की फ्यूचर वैल्यू एंड 13,310 रुपीज की प्रेजेंट वैल्यू। तो आप इस वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज करें एंड इनको कैलकुलेट करें, एंड फिर हम अपने आंसर्स को एक साथ टैली करेंगे। तो अगर हम सबसे पहले 10,000 की फ्यूचर वैल्यू को कैलकुलेट करें तो उस फॉर्मूला को पुट अप करने के बाद हमारे पास आंसर आता है कि 3 साल बाद 10,000 की फ्यूचर वैल्यू हो जाएगी 13,310 रुपीज। एंड अगर आप प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करें 13,310 की, तो फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद हमारे पास उसकी 3 साल पहले की प्रेजेंट वैल्यू आती है 10,000 रुपीज। तो इस एग्जाम्पल में आप कोई भी ऑप्शन चूज करते आपके लिए दोनों ही बेनिफिशियल होते। टाइम वैल्यू ऑफ मनी को प्रेजेंट डिस्काउंटेड वैल्यू भी कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि फ्यूचर में जो भी वैल्यू होगी अगर आज हम उसे देखें तो वो डिस्काउंटेड है। एग्जाम्पल से अगर समझें तो आज हमें एक समोसा 10 रुपए का मिलता है, लेकिन अगर यही हम 7 साल पहले चले जाएं तो हमें वही समोसा 2 रुपए का मिलता था। इसका मतलब 7 साल पहले 2 रुपए की वैल्यू 10 रुपए से ज्यादा थी, क्योंकि आप कम पैसों में ज्यादा चीज खरीद सकते थे। इन्फ्लेशन की वजह से टाइम वैल्यू ऑफ मनी पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि जैसे जैसे प्राइजेस बढ़ते हैं हमारी परचेजिंग पावर कम हो जाती है। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी हमें ये सिखाता है कि अगर इन्फ्लेशन को बीट करना है तो इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, ताकि जितनी चीजें आप आज खरीद सकते हैं आने वाले कल में उतनी या फिर उससे ज्यादा खरीद सकें। अगर आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बारे में और पढ़ना चाहते हैं तो आप वार सिटी के इस मॉड्यूल को पढ़ सकते हैं। आई होप आपको यह छोटा सा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।